मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमादीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी, मथुरा की तैयारी है, जिसके बाद अब विपक्ष केशव प्रसाद मौर्य को घेर रहा है और साथ ही एमआईएम नेता आरिफ इकबाल ने सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा है और विकास के मुद्दे पर किस तरह से निशाना साधा है, आइए सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार 2022 का विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कितनी हालत ख़राब थी, यहाँ लोगों की कितनी मौतें हो गई दवा के इलाज में, और लगातार दो महीना जो इधर का जो कोरोना मार्च से मई वाला था 2021 का, इसमें लाशें गंगा में बही, इन्होंने फेंका और इसका डिस्पोजल बॉडी का नहीं हो पा रहा था, उसका अंतिम हिंदू धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार उनका फंडामेंटल राइट है, उस तक की जगह नहीं थी, ना दवा थी, ना बेड थी, ना ऑक्सीजन था, और तमाम लोग पैदल सड़कों बम्बई दिल्ली से चल के कहाँ कहाँ अपने घर किस तरफ पूछें। अब बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार हर मोर्चे भी विफल रही है, तो सरकार जो है पब्लिक का मन डाइवर्ट करने के लिए मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, अयोध्या, फैजाबाद, काशी, मथुरा, ये सब की बात करते हैं, तो पब्लिक अब वास्तव में समझ चुकी है। अब पब्लिक 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगी। अब ये चाहे ट्वीट करे, चाहे फेसबुक या व्हाट्सएप मैसेंजर से, अब पब्लिक ने 7.5 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल, 5 साल का उत्तर प्रदेश का कार्यकाल देख लिया। ये हर मोर्चे में विफल है, आने वाले दिनों में इनकी उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट करने के बाद राजनीति गर्मा गई है, जहां उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी, मथुरा की तैयारी, जिसके बाद अब उनको विपक्ष घेर रहा है, तो वहीं सपा नेता रविंदर गुप्ता ने भी उनको घेरा है, क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, इस पे तो बात करनी नहीं है। आज लाखों लोग युवा बेरोजगार हो रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है, टीईटी का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, लाखों बच्चे जो है एग्ज़ाम को आप समझिए किस मेहनत से तैयारी करते हैं ये मैं जानता हूँ, और उसके बाद अगर वो तैयारी करके एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे, उनको ये पता चले कि पर्चा आउट हो गया है, तो उनके दिल पे क्या बीतती है ये वो बच्चे जान सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जान सकती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उसके पास मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, यही मुद्दा है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले जब भी आपके पास आएँ तो उनसे आप शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास और रोजगार, इस पर बात करिए। वो भागेंगे, वो बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे आइए हम आपको अयोध्या मंदिर बना के दे रहे हैं, वो कहेंगे आइए हम आपको काशी में बना के दे रहे हैं, वो कहेंगे हम मथुरा में बना के दे रहे हैं, लेकिन भैया 200 रुपया तेल बिक रहा है, पेट्रोल हो गया 100 रुपये का, महाराज आप क्या जनता बेवकूफ़ है, आप अब राशन दे रहे हैं जनता को, अरे जनता अभी राशन खाएगी ना, जिन साल दो साल पाँच साल क्या करेगी, तो आप बेवकूफ़ मत बनाइए, जनता अकलमंद है। अब की 2022 में जनता बता देगी कि अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश सरकार बन रही है, और 24 में मोदी जी को भी पूरा देश, हिंदुस्तान ये जालिम सरकार को हटा के रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, और जनता का पूरा विश्वास अखिलेश यादव के साथ है। जय हिंद। नगरी प्रयागराज में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर अब एमआईएम के नेता इफ्तिखार मंदर ने योगी और मोदी सरकार को घेरा है और जमकर उन पर निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने कहा जो तेल आज तक कभी इतना महंगा नहीं हुआ, इस सरकार ने सब चीज़ के दाम बढ़ा दिए, अब लोगों का जीना मुहाल है, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा एमआईएम के नेता इफ्तिखार मंदर ने। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, ये देश चलाने में और महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरह विफल साबित हुए। ये अच्छे दिन का वादा करके देश के अंदर आए थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन उन्होंने जो जनता के पुराने अच्छे दिन थे उसको भी खा गए। ये पेट्रोल और डीजल जो 60 और 70 में लोग भराते थे आज 100 के ऊपर भरा रहे हैं, खाने वाला तेल जो 100 रुपये लीटर किलो तेल खाते थे आज वो 200 रुपये में खा रहे हैं, तो देश के अच्छे दिन कहाँ गए, जो देशवासियों के पुराने अच्छे दिन थे उसको भी योगी और मोदी ने खा लिया है। तो
तो आज देश की जनता सब समझ रही है कि आप देश और प्रदेश में सरकार चलाने में पूरी तरह विफल साबित हुए। हम यही कहना चाहते हैं कि अब आपके जो हमारे अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन अब आपके भी अच्छे दिन नहीं आएंगे। देश और प्रदेश के अंदर जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है, और आपके अब ये झूठे वादों में फंसेगी नहीं, आपको अपोजिशन का रास्ता दिखाएगी और देश के अंदर एक सेकुलर सरकार चुनी जाएगी जो देश और देशवासी के हित में काम करेगी। हर साल विश्व में 3 दिसंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करना। हर साल इस दिन दिव्यांग के विकास, उनके कल्याण के लिए योजनाएं, समाज में उन्हें बराबरी अवसर मुहैया कराने गहन विचार विमर्श किया जाता है। हर वर्ष दुनिया में तमाम देशों में 3 दिसंबर को दिव्यांग के उत्थान, उनके स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वहीं आज हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो खुद दिव्यांग होकर सदा दिव्यांग एवं गरीब असहाय लोगों की सेवा सहायता करते रहना समाज व राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा होता है। ऐसे ही एक मिसाल है, या कहें एक लोगों के लिए रोल मॉडल, लवलेश सिंह, जो दिव्यांगों को पिछले 20 वर्षों से अपना रोजगार करते हुए अपनी आमदनी से वे कार्य समाज दिव्यांगों के लिए सदा करते आए हैं। लवलेश सिंह कोरोना काल में अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया और एसआरएन हॉस्पिटल के बाहर सुबह शाम खाना बांटते थे। हर दिव्यांग की मदद के लिए अक्सर आगे बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। आइए हम खुद उनसे जानते हैं इस पूरे मामले पर क्या कहना है लवलेश सिंह का, क्या है उनका मकसद, क्या है उनका सरकार से कहना। दिव्यांगों के लिए जो है मैं खुद दिव्यांग होकर के जो है विगत जो है 20 वर्षों से दिव्यांगों के लिए काम कर रहा हूं। मैं अपना कार्य करते हुए भी दिव्यांगों के रोजगार के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उनके भोजन के लिए और उनके उचित जीवन यापन करने के लिए मैं अपने जीवन को लगा रखा है। विगत 20 वर्षों से मैं दिव्यांगों को जो है हर साल कंबल वितरण का, राशन वितरण का एवं ट्राईसाइकिल वितरण का एवं बैसाखी वितरण कार्यक्रम स्वयं करता हूँ, जो 15 और 26 जनवरी पर मैं विशेष रूप पर देता हूँ। विगत कोविड में मैंने जो है 65 दिन तक लगातार जो है दिव्यांगों के साथ साथ दिहाड़ी मजदूरों एवं प्रवासी मजदूरों को जो है मैंने राशन वितरण का कार्यक्रम किया था। कोविड सेकंड में मैंने जो है दिव्यांगों के साथ साथ अस्पताल में जो ऐसे लोग थे जो लोग असहाय थे या जो उनके तिमरदार थे, उनको जो है राशन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था मैंने स्वयं किया है और मेरी टीम जो है लग के काम करती थी। जो ऐसे हम लोग, मैं स्वयं विकलांग होते हुए जो है दिव्यांगता के क्षेत्र में अपने आप को लगा रखा है, जिससे हमारे दिव्यांग भी हमसे कुछ सीख सकें और अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें। दिव्यांगों के लिए जो समस्याएं हैं, मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि जो 500 रुपये हम लोगों को पेंशन देते हैं, वो पेंशन जो है बढ़ाकर 3,000 की जाए, क्योंकि आज की महंगाई में 500 रुपये से जीवन यापन नहीं हो सकता है। इसमें सरकार से विशेष रूप से अनुरोध करता हूँ कि दिव्यांगजनों को कम से कम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया जाए, जिससे दिव्यांग उचित जीवन यापन कर सके। दूसरी बात, मैं सरकार से ये भी अनुरोध करूँगा कि अब दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, बैसाइकिल, व्हीलचेयर न दे करके बल्कि उनको रोजगार की व्यवस्था कराने का काम किया जाए, जिससे वो स्वरोजगार करके अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकें। लवलेश सिंह, राष्ट्रीय दिव्यांग मोर्चा, लोकल लेवल कमेटी, प्रयागराज। नगरी प्रयागराज में जहां बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने एमआईएम को रजाकारों की पार्टी बताई थी, जिसके बाद अब एमआईएम के लीगल सेल अध्यक्ष आरिफ इकबाल ने पलटवार किया है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं पहले क्या कहा था बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने और क्या कहा है एमआईएम नेता आरिफ इकबाल ने। कि आप इनका इतिहास अगर थोड़ा देख लेंगे तो इनकी जो पार्टी है वो रजाकारों की पार्टी है। ये जो बेसिक इनकी जो पार्टी है, ये वो रजाकार थे जो हैदराबाद के निज़ाम की सेना में थे। तो 62 शहर उत्तरी के विधायक हैं, तो पढ़े लिखे इंजीनियर फॉरेन के, हमको शायद ये भी जानकारी थी कि हिस्ट्री भी उनको अच्छी जानकारी होगी, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था। उनका भी जो पिछले 2-3 दिन पहले एक इंटी को रजाकारों की पार्टी बता दी, उनको हैदराबाद के निज़ाम का इतिहास ही नहीं पता है। और हमारे पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर सुदुद्दीन ओवैसी साहब के वाले दादा
पेशे से वकालत करते थे और उनको ये लोग पुराने कांग्रेसी हैं, वाजपेयी परिवार, कांग्रेस की सरकार में उनको 1.5 साल जेल में रखा गया। 2 मार्च 1958 को हमारी पार्टी की बुनियाद पड़ी और कांग्रेस की हुकूमत में ही इतने कत्लेआम हुए। और निजाम का इतिहास यह रहा है कि 1962 में जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री चाइना से युद्ध हो रहा था, 5 लाख टन सोना एक बार उन्होंने सिर्फ मदद मांगी हैदराबाद के निजाम से, तो हमारी देश की रक्षा के लिए चाइना से जब युद्ध चल रहा था 5 लाख टन सोना भारत सरकार को देने का काम किया था, तब हिंदुस्तान ने चाइना से इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी। जब आपको इतिहास ना पता हो, निजाम का इतिहास, हैदराबाद का ना इतिहास पता हो, हमारी पार्टी के सुप्रीमो, उनके दादा, उनके वालिद के बारे में ना पता हो, हमारी पार्टी का ना इतिहास पता हो, तो इस तरह के अनगढ़ बयानों से आपको बचना चाहिए। भारत में सर्दियों के मौसम की बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है, लेकिन इस मौसम के साथ ही सर्दी, जुखाम और सांस की बीमारियां भी मामले बढ़ जाते हैं। सभी समस्या सर्दियों के मौसम में आम तौर पर देखी जाती है और इनका मुख्य कारण इम्यूनिटी कम होना होता है। वहीं आज डाबर की ओर से डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, MD आयुर्वेद वाराणसी प्राथमिक विद्यालय पहुँचे, जहाँ उन्होंने बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने की जानकारी दी और बच्चों को ठंड से कैसे बचना है इसके बारे में बताया। साथ ही बच्चों के बीच उन्होंने डाबर च्यवनप्राश भी वितरण किया और कहा डाबर च्यवनप्राश आंवला से बनता है और आंवले से इम्यूनिटी बढ़ती है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर ने। आज हम यहाँ पे इम्यून इंडिया कैंपेन के थ्रू जो है स्कूल में आए हैं बच्चों के, और बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे वो बदलते सीजन में जो है बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब जब विंटर्स आते हैं तो हो ही जाता है और बच्चों की अटेंडेंस कम होती है, बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। तो बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे खाने पीने में परिवर्तन लाएं, कैसी जीवन शैली अपनाएं और किस तरह से जो है ये च्यवनप्राश, जो आंवला मुख्यतः आंवला इसमें है और विटामिन सी का इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और हम सब जानते हैं कि विटामिन सी जो है वो सीधे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो बच्चों को बेसिकली आज इम्यूनिटी सेशन हमने दिया और बच्चों को अवेयर किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी तरह से भी बीमारियों की चपेट में ना आएँ। तो बच्चे अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, समाज अच्छा रहेगा, देश अच्छा रहेगा। तो बेसिकली 18 शहर हम घूम घूम के, जो हमारे एक तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, उन जगह हम पहुँच रहे हैं और बच्चों को च्यवनप्राश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 6 महीने पे वापस से स्कूल में आएंगे और टीचर्स से हम जो है फीडबैक लेंगे। अभी तक जो हमें फीडबैक मिला है, क्योंकि पिछले 5 साल से हम स्कूलों में घूम रहे हैं और बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है, जहां माल वाहन सामान ढोते हुए जा रही है, मगर साथ ही लोग भी उस पर सवार हैं और अपनी जान खतरे में डालकर लोग इस पर सफ़र कर रहे हैं और सड़कों पर फर्राटे भरती दिखी माल वाहन, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस चौराहे पर पुलिस भी नहीं दिखाई दी, नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी दिखी गायब, और लोग किस तरह से जान को खतरे में डालकर वाहन के कॉर्नर पर लटके दिखाई दिए और जिम्मेदार बने अनजान। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी एवं प्रयागराज की महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने शुक्रवार को वार्ड नंबर 75 मीरगंज, वार्ड नंबर 50 नई बस्ती, वार्ड नंबर 74 चौखंडी के विकास कार्यों के नाली, गली, सड़क इंटरलॉकिंग शिलान्यास किया, जिस पर करीब 50,10,000 रुपये की लागत खर्च आई है। इस मौके पर मंत्री नंदी व महापौर अभिलाषा ने पूजा अर्चना कर विधि विधान के साथ शिलान्यास किया। संगम नगरी प्रयागराज में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा और बाकी सब एकजुट हो जाए, गलत फहमी ना रहे, इस बार फिर भाजपा को आशीर्वाद मिलेगा, जिस पर अब कांग्रेस नेता नफीस अनवर ने जमकर निशाना साधा है। और नफीस अनवर ने क्या कुछ कहा है आइए हम आपको सुनाते हैं। उससे पहले सुनाते हैं क्या कहा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कहा कांग्रेस नेता नफीस अनवर ने। 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। नहीं, सारे लोग एकजुट हो जाएं, हम लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा बकाया न रखे, कोई इधर उधर हो तो वह भी जाके शामिल हो जाए। क्योंकि यह फैसला हो ही जाना चाहिए एक बार कि देश की, प्रदेश की जनता भाजपा और मोदी जी को ही प्यार करती है, और मेरा पूरा विश्वास है कि हम 300 से ज़्यादा सीटें, कोई गलत फहमी नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ जनता का आशीर्वाद फिर भाजपा को प्राप्त होगा।
किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे युवा हो, चाहे वो आम नागरिक हो, उसके लिए कुछ किया नहीं है। निश्चित तौर पर भाजपा को हार का भय सता रहा है और उसी आधार पर भाजपा आनन फानन में उल्टे सीधे बयान देने का काम कर रही है। जैसा उन्होंने कहा है कि 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, तो निश्चित तौर पर हम उनकी बात को मानते हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, 60 जो है विपक्ष के पक्ष में मतदान जा रहा, निश्चित तौर पर आम जनता का जो ज़मीनी सर्वे बता रहा है वो 60 तो विपक्ष के पास जा रहा है और 40 में भाजपा का, तमाम एनडीए का जो भी बंटवारा है वो बंटवारे के साथ भाजपा में जा रहा है। सिविल लाइन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां सिविल लाइन पुलिस ने चोरी के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बता दें प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व CO2 के निर्देशन पर सिविल लाइन पुलिस ने किया गिरफ्तार। फ्री रिक्शे में एक महिला को उलझा कर बातों में 3 लोगों ने मंगलसूत्र चोरी किया था, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों अभियुक्त उषा खन्ना सांकरे, सीता शिंदे, शीला शिंदे को किया गिरफ्तार। अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भेज रही। संगम नगरी प्रयागराज के ये बाई के बाग का नजारा है, जहां बाई के बाग के क्षेत्र में बने 2 साल पहले डिवाइडर अब जर्जर हालात में है। आप देख सकते हैं डिवाइडर जमीन के अंदर धस चुके हैं, मगर जिम्मेदारों को कोई परवाह नहीं है। अब इस पर किस तरह से बनाया गया जो डिवाइडर, इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जर्जर खस्ता हाल में है। स्थानीय लोगों की माने तो सही तरीके से नहीं बनाया गया, जिसके वजह से ये डिवाइडर ज़मीन में धंस गए हैं और बैठ गए हैं। और स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके नीचे पानी की समस्या है, जिसके वजह से ये धंस जा रहा है और जिम्मेदारों ने इसको सही से नहीं बनाया। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का। इसमें समस्या ये है कि ये डिवाइडर नीचे बैठता जा रहा है, जो प्रारूप आपके सामने दिख रहा है। तो कब बना था ये? 2 साल हो गया बने। जर्जर हालात में अधिकारियों ने सही से बनाया नहीं। अब भैया ये तो वही कर सकते हैं बनाने वाले। अब हम लोग के सामने तो यही दिख रहा है कि डिवाइडर बैठा जा रहा है, जिसके कारण ये खंभा लटका हुआ, किसी भी दिन या किसी भी टाइम गिर सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम शांति है। संगम नगरी प्रयागराज के ये मानसनोवर क्षेत्र का नज़ारा है, जहां मंत्री नंदी के घर से कुछ दूर पर ही सड़क किनारे एक व्यक्ति नहाते दिखाई दिया और कपड़ा धोते दिखाई दिया। बता दें जहां सरकार स्वच्छता के दावों की बात करती है, मगर वहीं पर सार्वजनिक शौचालय कायदे से हर जगह ना होने पर हिबर्ट रोड पर सड़क किनारे खुले में नहाता दिखाई दिया व्यक्ति। जब हमने कुछ लोगों से बात करी तो उनका क्या कहना था इस बारे में, आइए सुनाते हैं यहाँ के लोगों का। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ हवाई वादे करती है और सिर्फ टीवी चैनलों एवं कुछ मीडिया वालों को इन्होंने पटा रखा है, बस वही। बाकी विकास के नाम पे कुछ नहीं करते, सिर्फ स्वच्छता का दावा करते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि लोग सड़क किनारे नहाते हैं। पीछे यही सुभाष चौराहे पे ही देख लीजिए, लोग बैठ करके सड़क पर ही नहाते हैं और सरकार कहती है कि स्वच्छ और स्वच्छता का दावा करती है, ये सरासर गलत है। क्या नाम है आपका? विमलेश मिश्रा। संगम नगरी प्रयागराज के ये मुट्ठीगंज क्षेत्र का नज़ारा है, जहां मुट्ठीगंज थाने से चंद कदम की दूरी पर लाइनमैन सीढ़ी लगाकर काम करते दिखाई दिए, मगर उनके पास सेफ्टी किट नहीं थी। जब उनसे इस बारे में बात किया गया तो उनका कहना था सेफ्टी किट तो दूर छोड़िए साहब, यहाँ प्लास और ग्लव्स तक नहीं मिलता है और इसी तरह लाइनमैन जान खतरे में डालकर काम करते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है लाइनमैन का। अरे वोका का दस्तानों पिलार नहीं मिला सर अभी तक। बिना सेफ्टी किट के आप लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं? जी सर, अब क्या करें हम लोग, खतरा नहीं रहता जी सर? खतरा तो है यही है। क्या नाम है? बाबूलाल यादव। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।